बरगड़ जनगण सौभाग्य जो देशर लोकप्रिय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आमर मंच रे पहुंची छंती टिके ताली बजाई करी सब आपण माने स्वागत करंतु। आमर राज्यर भारतीय जनता पार्टी रो प्रदेश अध्यक्ष पूर्वतन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मारांडी आमर मंच उपविष्ट होती। आमर सांसद एठे सीए एमएलए थिले एलाग सीए जमशेदपुर तीन तीन बार सांसद हिसाब रे जनगण रो सेवा करुछंती माननीय दिनेश या विद्युत वरण महतो आउ मंच रे आमर राज्यसभा सांसद श्री आदित्य साहूजी आमर जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहूजी आमर यात्रा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी आमर पूर्व सांसद आबा महतो जी प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुमार गगराई जी आउ सांगरे आउ तो मंच रे अनेक अतिथि माने अछंती सबु को मुए आपन तरफ रे हार्दिक अभिनंदन जनाउछु। आउ ठीके मेथे परिचय पाए आपन माने सबु जानुछंती जे आमर प्रधानमंत्री जे तांको ए माटीर झियो के सम्मान करिसंती पद्मश्री पदरे जमुना टोडू ए मंच रे उपस्थित होइचंती। मु बिसी कथा नाही कहबे आज कोल्हान रे परिवर्तन पाए एमती तो राज्य रे परिवर्तन पाए एई परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होई गत दिन रे माननीय गृह मंत्री आसी थिले से सिद्धू कानू रो जन्म स्थान रे भोगनाडी रे आ भोगनाडी रो से परिवर्तन यात्रा से संथाल परगना एरिया रे प्रारंभ हैला। आज कोल्हान एरिया रे माननीय शिवराज सिंह चौहान कर उपस्थिति रे परिवर्तन यात्रा ए कोल्हान रे फिरेबे 14 सीट आमके जिताइते हेबो संकल्प नी करी कहो भारत माता की भारत माता की भारत माता की। तो कथा एठा ने हेउची भाइयों एवं बहनों मैं बहुत ज्यादा बातें आपको नहीं कहूंगा। ये सरकार महिलाओं के साथ धोखेबाजी की, यह सरकार बहनों के साथ धोखाबाजी की, यह सरकार युवाओं के साथ धोखाबाजी की, यह सरकार राज्य के जनता के साथ धोखाबाजी कर रही है। युवाओं को कहा 5 लाख रोजगार देंगे, घोटालों और घपलों में फंस गई। महिलाओं को कहा जिस दिन हमारी सरकार बनेगी 2000 रुपया हर किसी के खाते में भेजेंगे, 4.5 साल तक 1 रुपया किसी के खाते में नहीं भेजा। अब जब चुनाव आया तो कहा मैया योजना हम शुरू कर रहे हैं। मैया योजना शुरू कर रहे तो 4.5 साल वाला पैसा भी दे दो, 4.5 साल तक आपने पैसा भेजा नहीं और अभी चुनाव आ गया वो भी 2000 के जगह में 1000 और वो भी आपको 3 महीना के लिए देगा। तो यह धोखेबाज सरकार है कि नहीं, जोर करके जरा हाथ उठा करके बोलिए, से सरकार धोखेबाज अच्छी कि नहीं, से सरकार के बदली तो हवा कि नहीं, आमर सब जगार एमएलए हवा को दरकार अच्छी कि नहीं। तो से पाए आज यही परिवर्तन चली जाऊ, आज यही परिवर्तन यात्रा एला पितृपक्ष चलुची, यह पितृपक्ष चल रहा है। हम उस विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोगों में से हैं जो हमारे पूर्वज अगर मर गए, देहांत हो गया, देह त्याग दिया
तो उसको हम पानी पिलाते हैं, तर्पण करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं पितृपक्ष में। लेकिन आज झारखंड में डेमोग्राफी बदल रहा है, जहां संथाली गांव है वो संथाली गांव खाली हो रहा है। दूसरे ऐसे लोग जब जमीन यहां पर कोई खरीद नहीं सकता है बाहरी, तो वैसे समय में वो गांव खाली क्यों हो रहा है? तो पितृपक्ष के समय में एक तरफ हमारी संस्कृति मृत्यु शरीर को भी आत्मा को भी पानी तर्पण करता है। इसलिए औरंगजेब ने मुगल कालीन शासन में जब शाहजहां को कैद खाने में रखा था तो शाहजहां को औरंगजेब पानी के लिए तरसाता था, पानी नहीं देता था। और शाहजहां ने उस समय कहा था, आफरी में हिंदुआ बर्बाद की सगंध हम दायम आप है फिसर तो जब मुसलमानी की जिंद राब अब तरसानी। उन्होंने कहा था कि तुमसे तो अच्छा वो हिंदू लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता पितरों को पानी तर्पण करते हैं, और तुम ऐसे मुसलमान का बेटा हो जो जीते जी अपने बाप वालिद को प्यासा तरसा रहे हो, तुम अपने बाप को पानी के लिए तरसा रहे हो। वैसे लोगों को समर्थन देने वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है इस राज्य से। फेंकना है कि नहीं फेंकना है? थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अभी इस परिवर्तन यात्रा के पहली सभा में परिवर्तन की बयार में इस क्षेत्र से परिवर्तन के लिए हमारे बीच श्री राहुल सड़ंगी और ऋषि सड़ंगी जी भारतीय जनता पार्टी में योगदान करेंगे। हम आग्रह करेंगे श्री ऋषि सड़ंगी जी से, कृपया वो आएंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभी अतिथिगण उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। श्री ऋषि सड़ंगी, धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं आप लोग को संबोधित करने के लिए। सर आइए। हम ही को नहीं बुला रहे थे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र भी आप सब लोगों के स्वागत में यहाँ पर झूम रहा है, इसलिए आप सब लोग एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के बीच आज जिनको हम सब लोग सुनने के लिए आप सब यहां उपस्थित हैं, भारत सरकार के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश से लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री रहे श्री अर्जुन मुंडा जी, और यहां से सांसद विद्युत वरण महतो जी, और मंच पर उपस्थित
प्रदेश के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी जी, पूर्व सांसद श्रीमती आभा महतो जी और झारखंड प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य श्री आदित्य साहू जी, प्रदेश के मंत्री नंद कुमार जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ आपके इस बहरागोड़ा से प्रारंभ हो रहा है। झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से है और 4 प्रमंडल की यात्रा पहले ही प्रारंभ हो चुका है। 20 तारीख को संथाल प्रगण के भोगनाडी साहेबगंज से और 20 तारीख को ही गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से, जो इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस यात्रा का शुभारंभ किया है, और तीसरा और चौथा यात्रा चतरा जिला के भद्रकाली मंदिर से, इटखोरी से, और चौथा जो यात्रा और नगर उटारी से, और आज पांचवा यात्रा यहां से प्रारंभ हो रहा है, और छठा यात्रा खूंटी से प्रारंभ होगी, ओली हाथों के खूंटी से, जहां इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वहां उपस्थित रहेंगे। और मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि परिवर्तन यात्रा ही हमें झारखंड की, परिवर्तन हमें झारखंड में करना है, और करना किसकी है, जो झारखंड में पिछले 5 वर्षों से जो लुटेरी सरकार बैठी हुई है, झारखंड में सब कुछ यह लूट रही है, विकास का काम तो कुछ हो नहीं रही है, पूरे 5 साल वो सरकार कमाने में लगी हुई है, बालू बेच करके पैसा कमा रहे हैं, कोयला बेच करके पैसा कमा रहे हैं, पत्थर बेच करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ तक कि जमीन को भी फर्जीवाड़ा करके बेच रहे हैं, मिलिट्री की सेना की जमीन तक को इन्होंने बेच डाला और अपना तिजोरी को भरा है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवर्तन यात्रा है, हमें ऐसे लुटेरों को इस झारखंड की सत्ता से खदेड़ना है, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आपने देखा, जब बीजेपी की सरकार होती है तो इस देश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है। आज हम जिस प्रदेश में यहाँ बैठे हैं, झारखंड प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अलग झारखंड राज हम सब लोगों को दिया, तो यहाँ के लोगों के दिलों में अगर कोई बसता है, भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड बसता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड के प्रति, जो यहाँ के लोगों के प्रति जो प्यार करती है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज जो लोग आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन आदिवासियों के हितों की कोई काम नहीं करते, आज अगर आप देखें तो झारखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और आज इस देश के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के राष्ट्रपति भी एक आदिवासी बहने को बना दिया। आप समझ सकते हो आदिवासियों की कितनी बड़ी सम्मान मिली है, और उसके साथ साथ आदिवासियों में एक बड़ी आबादी संथालों की है, तो संथाली भाषा को भी भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आज भी देश के पड़ोस के 2-2 राज्य, जहां उड़ीसा है वहां भी आदिवासी संथाल भाई को मोहन मांझी को वहां भी मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ बगल में है वहां भी विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री है। अब जरा सोचिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आदिवासियों की इतना चिंता करता हो। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज जी साहब मां बहनों को कैसे ठग रहे हैं, अब जब चुनाव नजदीक आ गया
तो मैया योजना चला रहे हैं, 1000 रुपया हमने हेमंत सोरेन जी से कहा, अब वो 1000 रुपया का क्या करें आप वोट के लिए। यही अगर आप 1 साल पहले चलाए होते तो आपकी ईमानदारी मानी जाती, लेकिन आपको पता है नवंबर में चुनाव होना है और इसीलिए 1-2 महीना दे करके फिर आपकी आदत क्या है आप सबको पता है। 2019 में इन्होंने क्या कहा था, उस समय उन्होंने कहा था हमारी सरकार बना दीजिए, 72,000 रुपया गरीबों को साल में देंगे। अब पूरे 5 साल गुजर गया, 1 पैसा भी इन्होंने नहीं दिया। मां बहनों को कहा था कि बहनों को चूल्हा खर्च महीना में 2000 रुपया देंगे, भाई आप 1000 क्यों, 2000 आपने कहा था, तो वो 2000 रुपया भी अगर आप महीना के हिसाब से जोड़ करके दे देते तो आपको जा करके माला पहना देते। और उन्होंने यहाँ तक कहा था माँ बहनों के लिए, आप लड़कियों की जब शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे। अब इन 5 वर्षों में लाखों बच्चों की शादी हो गई, लेकिन किसी को सोने की तो छोड़ दीजिए, यानी चांदी के भी सिक्का इन्होंने नहीं दिया। ऐसे कई एक इन्होंने लोगों को ठगा। इन्होंने गरीब महिला जो पेंशन मिलता है, विधवा को, वृद्ध को और दिव्यांग को कहा था कि 2500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। 10 लाख से अधिक इन्होंने बनाया, ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि हम भी मुफ्त में राशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इस प्रदेश के नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और अपने पिताजी का उन्होंने कसम खाया था, कहा था कि शिबू सोरेन के बेटे हैं, अगर नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप जरा सोचिए, जो पिताजी की कसम खाते हैं वो भी पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आप और हमको कितना वो पूरा करेंगे माँ बातों को। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इन्होंने कदम कदम पर ठगा है। इन्होंने कहा था कि विधानसभा में कहा था कि हमें अगर रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, लेकिन आज तक किसी भी बच्चों को नहीं मिला, ना जॉब मिला, बल्कि जॉब के नाम पर पिछले दिनों जो दौड़ लगाए उत्पाद विभाग में तो 19-20 बच्चों का यहाँ सामयिक जिसको कहते हैं मृत्यु हो गई। अब जरा सोचिए इस मौसम में किस प्रकार से अव्यवस्था थी दौड़ाया, और 2 दिन पहले जब एग्जाम हुआ 21 और 22 तारीख को, तो आप सब ने देखा किस प्रकार से इस सरकार ने पूरा राज्य के इंटरनेट को बंद कर दिया और कोर्ट को से भी उन्होंने फ्रॉड किया। आज तो कोर्ट का भी जो टिप्पणी है वो लिखित में वो आया है, इस सरकार ने यहाँ की जनता को ही नहीं, यहाँ के बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि झारखंड के हाई कोर्ट के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया है। तो कितना ये फ्रॉडिज्म करते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज जो इस प्रदेश में सरकार है वो सब जगह सबको ठग रहे हैं, सबको लूट रहे हैं। अब हमें यह संकल्प लेना है, नहीं आप न सहेंगे न कहेंगे, अब झारखंड से इस सरकार की विदाई करना है। यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया था। और आप सब बोहार मिसेरा को सूर संगी खोमोन सोहर से तेरेकान नीना उदी सबोन पे हेमंत सोरेन दो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी रेन सरकार नुकू दो आबो के खाली को एड़े एगो का बोना नुकू होते दे दो विकास रियांग काम हो कमी दो भांग हुई हुआ नुकू होते दे दो छे हो भांग हुई हुआ भारतीय जनता पार्टी होते थे कि झारखंड राज हो बेगारा बोना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नितवों ने लिया आबो ताला खोन की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो बेनाओ का दिया और नहीं तो बारिया बारिया राज रे छत्तीसगढ़ रे उड़ीसा रे अपना आदिवासी मौद खोन की मुख्यमंत्री हो बेनाओ का गुना उन्नति में ताओ बोना आबो लगी दो भारतीय जनता पार्टी की होती साय नरेंद्र मोदी की होती सिदाय अदो उन्नति में ताओ बोना हजू काम समय रे
भारतीय जनता पार्टी सावते बन गड़ोआ नी तो चुनावे नेलदा ओना यते खाली उना 1000% वोट बखराते मो कदा वोट उइलन खान ओना हो बाय एमाओ बोना ओनी मा लहारे हो आयमा गोटेन एड़े रोड कादा लहारे मेल लेदा रेंगे को 72000% माओ कोआ ओना हो बछोर रे ओना हो बांग न्याम लेना इना कते मेल लेदा चूल्हा खर्चा 2000% महना रे रेंगे कोई माओ को ओना हो बांग न्याम लेना इना कते मेल लेदा कुड़ी किधरा बापला हुआ सोना रिया सिक्का माओ को ओना हो बांग न्याम लेना इना कते मेल लेदा जहा को हराम बुढ़ी कान जहा पेंशन को न्यामे 2500% महना को न्यामा ओना हो बांग न्याम लेना 10 लाखों बढ़ती ग्रीन कार्ड को बिनाओ किदाय अरे मैंने तना फ्री ते राशन बन न्यामा ओना हो बांग न्याम लेना 5 लाख गोटेन कोड़ा को मैंने तना नौकरी न्यामो ओना हो बांग न्याम लेना नौकरी मा बांग न्याम लेन मैन खा नौकरी बखारते कोड़ा मा दड़ दड़ते 20 गोटेन खोनो बढ़ती को गोई एंता बोना आदो ओना ती मिताओ बोना मासे होदीस ता बोन पे नुई होते तो दो बांग हुआ ओना ती मिताओ बोना नी तो नोंडे खो नौका की संकल्प कते बोन चला आ आर नवा झारखंड रे परिवर्तन बखराते हजू का नवंबर रे जहां चुनाव मिना आ मिमी गोटेन वोट उपेन बहा छाप रे एम कते और भारतीय जनता पार्टी बोन जीता तब की नोंडे सरकारे बिना तब की विकास हो युआ नोआ मेन कहीं तेगिन सेटेर लेना और आपे नोंडे पे जारवाये ओना यते इन सेन खोन अड़ी सारहाव से अड़ी दुलड़ी माओ पे कना अड़ी अड़ी जोहार गे इन सेन खोन बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय झारखंड जोहार बहुत बहुत धन्यवाद अभी हमारे बीच हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी सभा को संबोधित करेंगे हेलो हेलो चेक हाँ भाइयों आई लव यू टू बदरा बरस रहे हैं बिजली चमक रही है और घनघोर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए आप डटे हुए हैं आज मैं कह सकता हूं ये माहौल देख के अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा परिवर्तन आएगा बोलिए भारत माता की आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी पूर्व अध्यक्ष यात्रा प्रमुख हमारे दिनेश आनंद गोस्वामी जी भाई आदित्य जी हमारी बहन आभा महतो जी पूर्व सांसद बड़कुमार गगरो जी नंदा जी हमारे अध्यक्ष चंडीचरण साय जी अब चूंकि समय ऐसा है कि जिसमें ज्यादा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है आदरणीय मंच मेरी बहनों भाइयों दोनों हाथ जोड़ के मामा का आप सबको प्रणाम आप सबको नमस्कार बहनों और भाइयों ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहां हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ये जेएमएम नहीं है ये जेएमएम नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो रहा है नौजवान भाइयों मेरे बेटे बेटियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभी बाबूलाल जी बता रहे थे आपको कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे बताओ किसी को सरकारी नौकरी मिली क्या जोर से बताओ सरकारी नौकरी मिली क्या 4.5 साल कुछ नहीं किया 4.5 साल नहीं 4 साल 10 महीना
मेरी बहनें कुछ खड़ी है और मुझे कुछ लाल कपड़े में दिखा रही है, उन बहनों को मेरा आग्रह कि यहां आ जाएं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, इन बहनों को आ जाने दो। ये बहनें आई हैं, बहनें मंच पे आएगी, लेकिन 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी, अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया कर। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बता वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की, और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हम नौजवानों को रोजगार, हाँ बहन क्या बात है? क्या बात है बताइए, ये काय की मिट्टी है? मेरी बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बहनें, ये लाल कपड़े और अलग अलग पोटली में मिट्टी लेके आई है, मिट्टी। और ये बहनें मुझे कह रही है कि आज झारखंड की धरती पर माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है, और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां लाइए, यहां की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहां की बेटी भी सुरक्षित रहेगी, और यहां की रोटी भी सुरक्षित रहेगी। बहनों द्वारा दी गई इस माटी को मैं माथे से लगाता हूं, और इस माटी की कसम, झारखंड में विदेशी घुसपैठिए आके जो हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जो हमारी जमीन हड़प रहे हैं, आज मैं आपको वचन देता हूं, चुन चुन के ये घुसपैठिए बाहर निकाल दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा झारखंड। आप बताओ इनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहनों, वो हमारे अपने, वो यहां रहेंगे, लेकिन बताओ विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है। हेमंत सोरेन, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को, आज ये बहनें कह रही है बचा लो हमारी बेटी को, रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रम जाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा।
यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करके ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार करेगा उसको सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, आ रहे हैं विदेश, ये सरकार को घुसपैठ करा रही है, और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। साइकिलों पे हजारों कोयला ले जाते हैं, बंगाल में प्रवेश करके पद्मा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो रोटी माटी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है, क्या ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलनी चाहिए क्या? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिखो, माता खड़ी पुकारती। आज माँ पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को। नौजवान बेटे बेटियों, ये मूर्ख बनाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री एक नौकरी नहीं दी, एक रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। और मेरी बहनों, अभी बाबूलाल जी, अर्जुन जी कह रहे थे, विद्युत भरण जी कह रहे थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने का कहा था, 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीने दूंगा, किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आ गए, 2 महीना रह गए, तो कहने लगा अब 1000 रुपया दूंगा। ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहा है, 4 महीना 4 साल और 10 महीना के पैसे कहां गए हेमंत सोरेन? कितने होते हैं ये? 24000 रुपया के हिसाब से 288000 रुपया हर बहन को मिलना चाहिए था। बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए था कि नहीं? तो इसने दिया क्या? अब चुनाव आ गया, बोले 1000 ले लो, टुकड़े डाल रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बाबा वहां के पक्षियों को भी दाना चुगाया करते थे, तो बहुत से पक्षी उनके आश्रम में आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी बाबा के आश्रम में आते हैं, तो वो भी दाना लेके आने लगा, और दाने उसने जाके पक्षियों को डाले, तो पक्षी दानों पर बैठकर चुगने लगे, तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब वो रोज आता, दाने साथ लाता, दाने डालता, और जैसे ही पक्षी दाने चुगते तो जाल में फंसा के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि ये पक्षी रोज शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, इनको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तो पक्षियों को बाबा ने बुलाया, और बुला के बाबा इनका रोज ये शिकारी आता है, दाने डाल के जाल बिछा के तुम्हें पकड़ के ले जाता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, अगर वो मंत्र तुमने रट लिया तो तुम बच जाओगे, इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है बाबा जी, बताओ मंत्र क्या है। तो बाबा ने कहा मैं जो कहूंगा कहना। तो सब पक्षी बोले कहेंगे। बाबा बोले शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। बाबा बोले दाना डालेगा। सबने कहा दाना डालेगा। बाबा बोले जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा फंसेंगे नहीं,
लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी आते ही पक्षी फिर चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखता हूं, और ये कह के दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षियों को पकड़ ले गया। जाल में फड़फड़ा के भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों, 5 साल कुछ नहीं किया, अब हेमंत आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं, अरे फंसोगे तो नहीं। ये दाना डाल रहा है 1000 रुपया देके, 2,88,000 में से 2,86,000 नहीं दिए, पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाके देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं, और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं? उन्हें छलने का काम किया है, हम बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम करेंगे। और झारखंड वालों, कोल्हान वालों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सबका नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए और कोई विदेशी घुसपैठिया अपने आधार कार्ड ना बनवा पाए, अपना वोटर लिस्ट पे नाम ना लिखा पाए। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और सुन लो, ये हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है, रेत बाल्टी में बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। बताओ बहनों, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं उस विभाग का मंत्री हूं, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला, सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत फ्री में देगी, रेत फ्री में, बालू फ्री में देंगे, बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए हैं, और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, जागरण का मंत्र फूंक रहे हैं, और ये कह रहे हैं बचा लो इस झारखंड को जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार से, और ले आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी आएगी तो ही झारखंड बचेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों,
तुम्हारे पैसे लूट के खाने वाले को। अरे ये सरकार जेएमएम कांग्रेस की, इनके नेताओं के यहां से 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे हैं। आप में से कोई ने 350 करोड़ रुपया देखे क्या? अगर देखे हो तो हाथ उठाओ, बताओ कभी देखे क्या? अरे जोर से बताओ, देखे क्या? ये तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं। तो इस बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंक दो, जो माटी की लूट कर रही है हमारी बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आओ मिलके संकल्प लें। इतनी घनघोर बारिश में आप डटे हुए हैं, मैं आपके चेहरे देख के बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, परिवर्तन की हवा चल रही है। और झारखंड तय कर चुका है कि जेएमएम को उखाड़ेंगे और बीजेपी की सरकार लाएंगे। बोलिए आप भी सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बीजेपी का विधायक बनाएंगे? तो आइए परिवर्तन यात्रा के आगाज के साथ हम संकल्प लेंगे। बहनों तुम भी संकल्प लेना, भैया संकल्प दिलाने आया है कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और संकल्प लेने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए सब, अपनी अपनी जगह खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम जेएमएम कांग्रेस को उखाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। अब ना सहेंगे, अब ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हमें परिवर्तन दीजिए, हम आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे, व्यवस्था बदलेंगे, आप झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माटी मेरी बहनों माथे से लगा के ले जा रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे कि झारखंड की माताएं बहनें पुकार रही है कि बेटी रोटी और माटी सुरक्षित करो, ये सुरक्षित रहेगी इस माटी की कसम, आपको ये वचन बीजेपी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी को। इसी के साथ ही हम लोग इस सभा का कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं।